और पहले फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के भी आए हुए हैं, और आज सूचना मिली कि कुछ घरों को भी तोड़फोड़ किए हैं। और नुकसान फसलों को पहुंचा रहा है, और आज तो रामप्रीत के घर को भी नुकसान पहुंचाया है। इसमें सरकारी नियमानुसार जो भी मुआवजा का प्रावधान होगा हम उनको दिलवाएंगे, और लोगों से अपील करते हैं मुआवजा का जो प्रावधान है वो मिलेगा, इसमें टाइम लगेगा, कितना ना होगा। आप और महुआ से दूर से ही उसको 4 रुपया हुआ आदमी पकड़ लेता है, चक्कर में घर धस रहा है। ऐसा नहीं है कि आप फिर रात में नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। खड़ा हो जाइए। हाँ, अरे ये तो कुछ नहीं है। अरे इतना पहल हो जा रहा है, कम है। हो गया हो गया, छोटा छोटा बोर्सी क्या टक्कर ये का वो टहरी वगैरह जो बोलते हैं, डाल दो चार को धुआं वो करेगा। पचफेड़ी गांव में फसलों को रौंदकर हाथियों ने मिट्टी के मकान को किया क्षतिग्रस्त। थाना प्रभारी फॉरेस्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। धुरकी थाना क्षेत्र के आंबाखोरिया पंचायत अंतर्गत आदिम जनजातीय बाहुल्य पचफेड़ी गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने लगातार दूसरे दिन तांडव करते हुए धान, मकई, अरहर, तिल के फसलों को चट करने के बाद मिट्टी के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है। शनिवार को पचफेड़ी गांव निवासी रामप्रीत परहिया ने बताया कि शुक्रवार को रात्रि 10 बजे जंगली हाथियों का झुंड अपने बच्चों के साथ 15-20 की संख्या में दोबारा आ धमके। विदित हो कि हाथी शुक्रवार से पहले गुरुवार की रात्रि में भी पहुंचे थे और लगातार दूसरे दिन चिंघाड़ते हुए भदई फसलों के खेत में प्रवेश कर फसलों को खाने के बाद रौंद कर बर्बाद कर दिया। इसके बाद हाथियों का झुंड खेतों में लगे फसलों को खाने के बाद मिट्टी के घर की तरफ झूमते हुए पहुंचे, और हाथी ने अपने सूंड से खपड़ैल मकान के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं हाथियों के द्वारा घर को तोड़ फोड़ करते हुए ग्रामीणों ने अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन उस वक्त किसी में इतना हिम्मत या साहस नहीं था कि वह हाथियों के उत्पात को रोक पाएं। वहीं हाथियों द्वारा फसलों को रौंद कर बर्बाद करने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सदानंद कुमार सदलबल के साथ पचफेड़ी गांव में भुक्तभोगी किसानों के नष्ट किए फसल और क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण करने पहुँचे थे। वहीं निरीक्षण के बाद थाना प्रभारी ने बताया कि हाथी अब फसलों को नष्ट करने के बाद घरों को निशाना बना रहे हैं। थाना प्रभारी ने लोगों से कहा कि अपने घरों में महुआ और महुआ शराब को नहीं रखें। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों को महुआ का फल उन्हें बहुत पसंद है, और उसका सुगंध लगने पर हाथी उसे अपना आहार बनाने के लिए घरों को निशाना बना रहे हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद फॉरेस्टर प्रमोद कुमार यादव पचफेड़ी गांव में हाथियों के उत्पात से प्रभावित लोगों से मिले व उनके फसल और मकान के क्षतिपूर्ति के एवज में वन विभाग से मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रभावित लोगों के समक्ष मुखिया प्रतिनिधि हरिलाल सिंह व बीडीसी कृष्ण कुमार सिंह को फॉरेस्टर ने फॉर्म दिया। वहीं थाना प्रभारी और फॉरेस्टर ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि पचफेड़ी गांव के लोग रात होने से पहले घनी आबादी वाले गांव टोला में रहें और हाथियों के झुंड से किसी भी तरह से उन्हें छेड़छाड़ नहीं करें। उन्होंने कहा कि हाथियों द्वारा मकान, फसल इत्यादि जो भी नुकसान अथवा क्षति पहुंचाने पर वन विभाग मुआवजा देने के लिए सक्षम है। इस दौरान राजकुमार विश्वकर्मा सहित अन्य कई ग्रामीण मौजूद थे। सर, पहले जंगली हाथी फसलों को अपना शिकार बनाते थे, अब घर पर अटैक करने लगे हैं, क्या कहेंगे? विगत कुछ दिनों से इस क्षेत्र में हाथियों का आना का सूचना मिल रहा है, और पहले फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के भी आए हुए हैं, और आज सूचना मिली कि कुछ घरों को भी तोड़फोड़ किए हैं। तो पता चला कि घर में महुआ भी रखा हुआ था, तो हम लोगों से अपील करते हैं कि घर में महुआ जो भी है और भी जो निर्देश दिए हैं फॉरेस्ट विभाग की ओर से मिला है, उसका पालन करें। और हम सभी लोगों से कहेंगे कि कुछ दिन से सचेत रहें, शराब उराब पीकर बाहर नहीं निकले, यही एक मात्र उपाय है। पिछले एक सप्ताह से धुरकी प्रखंड के आंबाखोरिया पंचायत में हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट किया जा रहा है, अब तो घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, वो छत्तीसगढ़ से हाथियों का झुंड फेफसा से लेकर के माझपानी के कन्हर तटीय इलाके में आ रहा है बार बार, और नुकसान फसलों को पहुंचा रहा है, और आज तो रामप्रीत के घर को भी नुकसान पहुंचाया है। इसमें सरकारी नियमानुसार जो भी मुआवजा का प्रावधान होगा हम उनको दिलवाएंगे, और लोगों से अपील करते हैं कि वो झुंड को परेशान न करें, अनावश्यक उसको डिस्टर्ब न करें, उससे और वो अग्रसित हो जाते हैं, जिससे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और सबसे लोगों से अपील यही है कि अपने घर में महुआ जो उसको सबसे खाने में अच्छा है, प्यारा है, उससे घर से दूर रखिए उस महुआ को, और
वो आएगा तो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा तो जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो। और कोई जंगल से खदेड़ने का कोई उपाय हो रहा है कि नहीं आपके विभाग? जंगल से खदेड़ने के लिए ऐसा अभी तक मैंने बड़े पैमाने पर क्षति का ऐसा कुछ अनुमान नहीं है जिससे कि हम लोग को बाहर से टीम लाना पड़े। वो जंगल में ही रह रहा है और सुबह वो इधर से नुकसान पहुंचा करके छत्तीसगढ़ के जंगलों में पार हो जाता है या फिर झारखंड के जंगल में वो जंगल की ओर रहता है, तो उसको तो खुद अपना घर में रह रहा है। शाम में आता है तो लोगों को सतर्क रहने के लिए हम अपील कर रहे हैं लोगों को इधर से कुछ दिन के बाद। विगत एक सप्ताह से जो यहाँ के किसानों का फसलों को नष्ट किया है उसके बारे में कुछ कहें, क्या होगा? हम उन लोग उसके नुकसान के लिए टेंशन न लें, हम सारे लोगों का मुआवजा दिलवाएंगे विभाग की तरफ से।